एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे? ए बी वेक्टर का या किसी भी वेक्टर ए बी का मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक क्या डिस्प्लेसमेंट है इसका? एक सिचुएशन समझिए कि एक लड़की है वो जाती है ए से लेकर बी तक, फिर बी से वो सी तक जाती है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस लड़की का ए पॉइंट से? यहाँ से वो यूं गई, यहाँ से यूं गई। तो आप बोलेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई है। जो यहाँ से यहाँ तक पहुँचती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है इसका। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका ए सी वैक्टर हो गया। तो ए सी वैक्टर क्या हुआ? ये बेसिकली ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर हो गया। इसे हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। क्या है ये? कभी भी ए बी प्लस बी सी एक किसी भी ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड दोनों मिलकर इससे बड़े होते हैं। कभी ये दोनों साइड बराबर नहीं होते इसके, वरना ट्राइंगल ही नहीं बन पाए। लेकिन यहाँ पर हम वैक्टर की बात कर रहे हैं। तो दो वेक्टर्स ए और बी यहां पर देखिए, और उनको हम लेंगे और ऐड कर देंगे। जब उनको ऐड करेंगे वो किस जगह पे आ जाएंगे? सेम इनिशियल पोजीशन पे डाल दीजिए उनको। जैसे इनिशियल पॉइंट एक का कोइंसाइड करे टर्मिनल पॉइंट दूसरे के से, तो ये बी है। इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये इसका इनिशियल पॉइंट ये है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया कि यहां तक ए लेके आए और यहां से आपने ये बी शुरू किया। ये बी हो गया, तो ये कितना हो गया? ए प्लस बी। ये आपका ए प्लस बी वेक्टर हो गया। इसी तरीके से अगर ये ए है, ये बी है, तो ये आपका कितना होगा और ये कितना होगा? देखिए ये तो ए प्लस बी आप बोल रहे हैं, लेकिन ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी है। ये बी है तो ये माइनस बी है, और ये माइनस बी है तो ये कितना होगा? ए माइनस बी, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी तरीके से अगर आप दूसरे इस फिगर में आपने जो शिफ्ट किया ना, वो आप समझ गए कि हमने कैसे किया। और हमने सिंपली कहा कि ये दोनों बराबर है, बायां हाथ दायां हाथ के बराबर है। यानी कि हमने यहां से यहां तक मूवमेंट की, तो हम इस कह रहे हैं कि यहां से यहां तक मूवमेंट की हमने, है ना। ये जो है इसे हम कह रहे हैं डिस्टेंस, ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगले वाले में हमने क्या किया कि हमने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में इनको ऐड किया, तो आपका जीरो आ रहा है। कैसे? ये बी है, ये बी है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी माइनस बी जीरो हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि जब साइड ट्राइंगल के उनको ऑर्डर में लिया जाए, तो वो जीरो आपको बताएगा इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक। मतलब यहां से यहां गए, यहां से यहां, यहां से आए, तो जीरो हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। और अगर आप एक वेक्टर ऐसे जैसे अभी मैंने बताया उल्टा करना चाहते हैं, तो ए माइनस बी कर सकते हैं। दो वेक्टर का आपका डिफरेंस भी हो सकता है। तो जब वेक्टर ए सी है, इसको हम कहेंगे ए और बी वेक्टर का डिफरेंस है। अगर ए वेक्टर यहाँ है और बी वेक्टर यहाँ है, दोनों बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों का मतलब है बी माइनस ए या ए माइनस बी, ऐसा डिफरेंस। अब आप एक एग्जाम्पल समझिए कि एक बोट है रिवर पे, वो अपने बैंक पे जा रही है दूसरे साइड पे, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। जो डायरेक्शन है इस तरीके से, पानी इस तरीके से बह रहा है, वो इस तरीके से जा रही है। अब इनको वेलोसिटी लगेगी, दो वेक्टर की लगेगी। पहली जो वेलोसिटी होगी वो जो इंजन इसे आगे बढ़ा रहा है, दूसरी जो इसे पानी इस तरफ धकेल रहा है। तो दो इसके दो आपके फोर्सेस लग रहे हैं, तो वेलोसिटी इसकी कुछ अलग बनेगी। वो उस वेलोसिटी से नहीं जाएगी जिस वेलोसिटी से वो जा रही है। तो अगर इसका हमको प्रिसाइज वैल्यू जानना है, स्पीड और डायरेक्शन में जानना है, तो हमको यहां पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपनाना पड़ेगा। अब देखें, एक तो इसमें ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। जो जो हमने भी बात की उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये क्या चीज है? ए प्लस बी। ये इधर जा रही है, जा रहा है, या मान लीजिए इस तरफ जा रहा है आपका शिप, लेकिन उसको फोर्स यहां लग रहा है, या अगर ये शिप यहां जा रहा है तो उसको फोर्स इस तरीके से लग रहा है पानी का। तो ये ए प्लस बी क्या होगा? ये रिजल्टेंट हो जाएगी जो मैग्नेट्यूड डायरेक्शन है उस पैरेललोग्राम की। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कॉमन पॉइंट है आपका यहाँ पर। तो इस फिगर में देखिए कि अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ओ ए प्लस ए सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ओ सी। इसी तरीके से ओ ए, ये वाला ले लीजिए, ओ ए प्लस ओ बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए प्लस बी। इसे पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि ओ सी और ओ बी बराबर है, यहाँ पर पैरेललोग्राम है ना इसीलिए। तो अब ये कह सकते हैं कि जो दो लॉ है वेक्टर एडिशन के, वो इक्वलेंट है, एक दूसरे के बराबर है।
प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर एडिशन की, अगर ए को बी से जोड़े तो बी को ए से जोड़े बात सही है, कम्यूट कर सकते हैं आपको। कैसे? आप ये पैरेललोग्राम देखिए, इसमें ए बी सी डी आपके सामने है, ए बी को हम वेक्टर ए मान रहे हैं, बी सी को हम वेक्टर बी मान रहे हैं, तो ट्राइंगल लॉ अगर लगाएंगे ए बी सी में तो ए सी क्या होगा यहाँ से यहाँ तक, सिंपली ए प्लस बी, ए प्लस बी आ जाएगा। अब क्योंकि अपोजिट साइड जो होते हैं, अपोजिट साइड इनके इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो हमारे पास ए डी वाला और बी सी ये दोनों बराबर है, यानी कि ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, है ना, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। तो अगर हम लॉ लगाए ट्राइंगल लॉ का, इसमें किसमें आप इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं, ए डी और सी में, इसमें लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये ए सी बराबर होगा ए डी प्लस डी सी, यानी बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर है। किसी भी थ्री, अगर तीन वेक्टर आप लेंगे तो ए बी और सी, यानी ए प्लस बी करिए पहले फिर सी से ऐड करें, या ए ऐड करके बी प्लस सी से ऐड करें, ये बराबर होगा, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ए बी सी आपके पास ए बी और सी यहाँ पर है, राइट। ये आप पी क्यू क्यू आर और आर एस से रिप्रेजेंट करिए जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, या इसको इस तरीके से ले लीजिए ए बी सी। अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, और अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी। तो चाहे आप a प्लस बी करके सोच c जोड़े, या b प्लस सी करके आप b प्लस सी करके a जोड़े, ये b प्लस सी कर दीजिए यहाँ पर और फिर a जोड़ दीजिए, बात तो सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जब a प्लस बी पी क्यू प्लस आर एस करेंगे तो पी आर आएगा, b प्लस सी करेंगे तो क्यू आर प्लस आर एस क्यू एस आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो पी आर प्लस आर एस पी क्यू है पी एस है, और पी क्यू प्लस क्यू एस आपका पी एस है, दोनों ही बराबर होंगे। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की, आप देखें कि तीन वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, आप इसको बगैर वेक्टर के भी यूज कर, बगैर ब्रैकेट के भी यूज कर सकते हैं, और कोई एक वेक्टर ए है उसमें हम जीरो जोड़े, अगर हम जीरो जोड़े या जीरो को ए से जोड़े वेक्टर से, आपका ये ए ही आएगा। तो जो जीरो वेक्टर है जीरो, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसको, ये जीरो जो है ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है।